हेलो, वेलकम टू डे 7 ऑफ मैजिक प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम द मैजिक बुक बाय रोंडा ब्रायन, इसमें जो 28 डेज की मैजिकल प्रैक्टिस है, जिसमें आप अपने करियर को, बिजनेस को, रिलेशनशिप्स को, हेल्थ को, अपने फाइनेंशियल स्टेटस को, हर एक एरिया अपने लाइफ को आप कैसे मैजिकल बना सकते हैं, इसकी डिटेल में प्रैक्टिस दी गई है। और हम इस मैजिक सीरीज में इसी प्रैक्टिस को समझ रहे हैं और इसको हम फॉलो कर रहे हैं और अपनी लाइफ को मैजिकल बना रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद डे 7, जिसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे अपनी लाइफ में नेगेटिविटी से निकल सकते हैं और अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बट बिफोर दैट, हेलो, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहाँ पे लाइफ के हर एक एरिया, करियर, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप में हम कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके राइज और शाइन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हर नए वीडियो रिलीज का नोटिफिकेशन इंस्टेंट मिल जाए, जो हर ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज को होता है। सो प्लीज सब्सक्राइब करें और थम्स अप जरूर दें अगर आप इस मैजिकल सीरीज, मैजिक प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो डे 7, इसमें ऑथर ने बताया है पूरे डिटेल में कि कैसे हम अगर अपनी लाइफ में नेगेटिव फील कर रहे हैं, कोई आपके लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन है, तो आप उससे भी कैसे निकल सकते हैं, कैसे आप उसको भी मैजिकल बना सकते हैं। ठीक, सो इसमें ऑथर बोलती है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कोई टर्मोइल है, आपकी फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके करियर में, आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है, इन सब को आप जो है ठीक कर सकते हैं मैजिक प्रैक्टिस से। ओके, एंड ऑथर बोलती है ये हमारी लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती है जब हम हर एक चीज़ को, व्हेन वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, जब हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जैसे कि ऑथर बोलते हैं कि कभी आप अपने लाइफ में अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होते हैं क्या? डू वी एवर वेक अप इन द मॉर्निंग एंड से वाओ, आई एम फीलिंग सो हेल्दी, ना मुझे कोल्ड है, ना कफ है, ना सर दर्द है, ना बैक एक है, हम कितना मैं हेल्दी हूँ, हम कभी नहीं बोलते। लेकिन जब हम उठते हैं और हमें कोल्ड होता है, कफ होता है, फीवर होता है, बैक एक होता है, हेडेक होता है, तो हमारा ध्यान जाता है कि हम ये चीज़ सही नहीं चल रही है। जब वो हमारी हेल्थ में कोई चीज़ गड़बड़ होती है, तभी हमारा हमारा फोकस जाता है हमारी हेल्थ में। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, क्या हम कभी उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, उसके लिए थैंकफुल होते हैं? क्या आप अपनी जॉब के लिए ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं? कभी आपको लगता है, हम हमेशा ग्रिप करते हैं कि मेरी जॉब ऐसी है, मुझे सैलरी इतनी नहीं अच्छी मिलती, मुझे बॉस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कभी आपको लगता है कि सोचिए, एटलीस्ट आपके पास जॉब है, कितने सारे लोग हैं जो तरस रहे हैं कि उनको एक जॉब मिले, परेशान हो रहे हैं, यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, एटलीस्ट आपके पास जॉब है, एटलीस्ट आपको हर मंथ सैलरी मिल रही है, एटलीस्ट जो है आपके पास एक सिक्योरिटी है अपनी जॉब की। और क्या बोलती है कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है, हमारी रिलेशनशिप अच्छी चल रही होती है, हमारे पास पैसा होता है, हमारी जॉब चल रही होती है, हम कभी भी उसके लिए ग्रेटफुल नहीं होते। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई चीज़ गड़बड़ होने लग जाती है, हम वहीं पर उसके लिए क्रिप करने लग जाते हैं, कंप्लेन करने लग जाते हैं, और हम फिर उस चीज़ को, उस नेगेटिविटी को और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। ऑथर बोलती है कि जब हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, ब्लेम करते हैं, कंपेयर करते हैं, हम थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे सिचुएशंस को और ज़्यादा अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं जो हमको कंप्लेन करने का, ब्लेम करने का मौका दें। ठीक है, सो इसमें अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप हर एक चीज़ में कंप्लेन करते हैं, बॉस के बारे में कंप्लेन, घर से बाहर निकले तो ट्रैफिक के बारे में कंप्लेन, गवर्नमेंट के बारे में कंप्लेन, वेदर के बारे में कंप्लेन, रोड टूटी है उसके बारे में कंप्लेन, अगर आप हर एक चीज़ में कंप्लेन करते हैं, तो आपको थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा ऐसे मौके मिलते हैं कंप्लेन करने के। आपको एकदम उल्टा करना है, आपको हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में है, आपको उसके लिए थैंक यू बोलना है। अगर आपकी ये बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है कि अगर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में हैं तो भी आप उस टाइम ग्रेटफुल हो सकें, लेकिन उस सिचुएशन से निकलने का तरीका एक तरीका ही है कि आप
उस सिचुएशन में भी वो रीजंस ढूंढें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, और जब आप उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ में मैजिक काम करना शुरू कर देगा। ऑथर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपके पास जॉब नहीं है और आप काम ढूंढ रहे हैं, तो आप इस नेगेटिव सिचुएशन में दो ऑप्शन है, या तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, किसी को ब्लेम कर सकते हैं, रो सकते हैं, धो सकते हैं। और जब आप ये सब नेगेटिव चीज़ें करते हैं, आपके वाइब्रेशंस लो होते हैं और आप और ज़्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इस सिचुएशन में भी थैंकफुल होने के, ग्रेटफुल होने के रीजंस को ढूंढें। ओके, जैसे कि फर्स्ट रीजन, आप थैंकफुल हो सकते हैं कि आपके पास टाइम मिला अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपको टाइम मिला अपनी लाइफ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने के लिए, बेटर करने के लिए। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपने अब तक बहुत सारा काम किया और अब बहुत ज़्यादा अब एक्सपीरियंस्ड हैं। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि नई नई तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रोज़ आ रही हैं। आप इस चीज़ के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपको पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट ये फेस करना पड़ा। अब तक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ गई, बहुत ज़्यादा हैप्पी गई। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में जब आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, शायद आपने अपने स्किल्स को शार्पन कर लिया, इंटरव्यूज़ को प्रिपेयर करने के लिए आपने और ज़्यादा पढ़ाई कर ली, आपने और ज़्यादा अपने आप को तैयार कर लिया, इसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। आपको एक ब्रेक मिल गया, आपने इतने साल काम किया था, एक आपको वेल डिजर्व ब्रेक मिल गया, आप इसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आपके ऐसे लगता है जैसे एनर्जी चार्ज हो गई, जैसे आपकी बैटरी चार्ज हो गई, आप एनर्जाइज्ड हो गए ब्रेक लेके। आप तो एकदम थक गए थे कंटिन्यूस काम कर करके, आप उसके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। कि जो जॉब छूट गई, आप उस सिचुएशन के लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं कि इसने आपको सिखाया कि आपने कैसे अपनी लाइफ को इतने साल तक यू हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड, एंड आपको आपकी लाइफ, आपकी जॉब की वैल्यू सिखाई। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं आपकी फैमिली के लिए जो आपको इस पूरे सिचुएशन में एनकरेज कर रहा है। आप ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपको मौका मिला रेस्ट करने का। तो कैसे नेगेटिव सिचुएशन में आपको ग्रेटफुल होना है, ये ऐसे एग्जांपल दिया है इस ऑथर ने। और यही एक तरीका है हर एक नेगेटिव सिचुएशन से निकल के उसको मैजिकल बनाने का। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही चल रही है? तो इसमें लिखा है कि अगर आप अंदर से आपकी जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है ये सही है, इसको पता लगाने के लिए अगर आप अंदर से बहुत ज़्यादा कंटेंट, हैप्पी फील कर रहे हैं, बेटर फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, आपको पता है कि ये सिचुएशन जितनी भी बुरी है ये ठीक हो जाएगी, आप इसमें से बाहर निकल आएंगे, ऐसा आपको अगर अंदर से विश्वास आ रहा है, तो फिर आपके ये ग्रैटिट्यूड जो प्रैक्टिस है ये काम कर रही है, ये मैजिक प्रैक्टिस आपकी काम कर रही है। अब आपको आज की एक्टिविटी क्या करनी है, आपको जिससे मैंने बोला अभी नेगेटिव सिचुएशन जो है उसमें आपको एटलीस्ट 10 थिंग्स लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। और आपको लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर या आई एम ग्लैड फॉर, आई एम ग्रेटफुल फॉर या आई एम ग्लैड फॉर, ऐसी 10 चीज़ इस नेगेटिव सिचुएशन के बारे में आपको लिखना है कि कैसे इसमें आप किन किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हैं। जब आप अपनी ये लिस्ट को 10 चीज़ों को लिख लेंगे, आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, या थैंक यू इस समस्या का जो है वो हमको मिल गया है सल्यूशन। ओके, थैंक यू मुझे सल्यूशन मिल गया है, परफेक्ट सल्यूशन मिल गया है, या थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। ओके, तो एक बार आपने ये कर लिया, इसके बाद आपको आज एक दिन के लिए ट्राई करना है कि आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें और कोई भी नेगेटिव थॉट आने नहीं दें। किसी भी सिचुएशन को लेके आपको नेगेटिव थॉट आज के दिन नहीं आने देना है। तो पहले तो हमें 10 चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं इस नेगेटिव सिचुएशन में। फिर आपको लिखना है थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन, या थैंक यू इसका सोल्यूशन मिल गया है। और उसके बाद आपको दिन भर ट्राई करना है कि आपको कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। नेगेटिव थॉट्स आए तो उसको आपको निकाल के एकदम फेंक देना है। आज के लिए आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है? और अगर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो आपको अपने आप को स्टॉप करना है और आपको क्या बोलना है, बट आई हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, और आपको वो चीज़ बोल देनी है, ठीक है? तो कोई नेगेटिव थॉट आया, स्टॉप किया, बट आई हैव टू से आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, लेकिन मुझे तो बोलना है कि मैं ग्रेटफुल हूँ
और वो चीज़ लिख देनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। आज नेगेटिव थॉट्स आने नहीं देना है। रिकैप अब तक की आपकी मैजिक प्रैक्टिस। अब आपको क्या करना है, सुबह उठना है, 10 ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, उनको लिखना है। आपको लिखना है आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, वाई, अपना रीज़न भी लिखना है। और उसके बाद जब आपकी वो 10 चीज़ें आपने लिख दी हैं तो आपको उनको रीड करना है लाउडली और आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद आपकी जो भी नेगेटिव सिचुएशन है उसमें आपको 10 चीज़ें ऐसी ढूंढनी हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आप थैंकफुल हैं, आपको लिखना है। एंड उसके बाद आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश, एंड लास्ट में आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। एंड आपको दिन भर ट्राई करना है कि आप कोई भी नेगेटिव थॉट आपको नहीं आए। और अगर आपको नेगेटिव थॉट आता है तो आपको खुद को क्या बोलना है, स्टॉप, और आपको बोलना है बट आई हैव टू से आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर, और वो सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। इसके बाद रात को जब आप सोने जाएंगे आपको अपना वो मैजिक रॉक निकालना है, दिन भर जो भी चीज़ें हुई हैं आपको उनको रिकैप करना है, और उसमें आपको वो बेस्ट चीज़ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं आपको उनके लिए उसके लिए ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है। तो बस उसके बाद अच्छी नींद सो जाए, अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को, हर एक तरह की बुराई को, जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं चल रही है उसको दूर निकालना है और सिर्फ राइज और शाइन करना है। मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये प्रैक्टिस करके कैसा लगा, आपको अंदर से कैसे इमोशंस आ रहे हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और आपने इस प्रैक्टिस को यूज़ करके अपनी कौन सी नेगेटिव सिचुएशन को ठीक किया है। टिल वी मीट नेक्स्ट, दिस इज प्रियंका बिजीत साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको ये मैजिक प्रैक्टिस का कोई भी एक दिन मिस ना हो। All the very best. Take care.